जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बचलौता अंडरपास के ऊपर मंगलवार की सुबह करीब 5:30 सड़क हादसे का शिकार हुए एक टैंकर ने आग पकड़ ली। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। आनंद खानन में CAO हापुड़ मनु शर्मा, बाबूगढ़ थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता, दमकल विभाग की टीम तथा पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से कार्य पर समय रहते आग पर काबू पाया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। इस दौरान यातायात को एहतियातन के तौर पर रोका गया। इस घटना में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं कंडक्टर का उपचार चल रहा है, मामले की जाँच जारी है। थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 27 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र हरवीर सिंह निवासी मस्त अलीपुर कटारी थाना ठाकुर द्वार जनपद मुरादाबाद मंगलवार की सुबह अल्कोहल DNA टैंकर लेकर बरेली से मेरठ माउद्दीनपुर मिल जा रहा था। टैंकर में 19 वर्षीय रणजीत सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी मस्त अलीपुर कटारी थाना ठाकुर द्वार जनपद मुरादाबाद जिसका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होते ही इसके अंदर ये बाबूगढ़ बचलौता के रास्ते पे पास में लोकेशन है सर, यही सूचना प्राप्त हुई है कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद आग लग गई है। तुरंत फायर सर्विस की यूनिट्स जो हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं और भी आ रही हैं, और आप देख ही रहे हैं कि फायर फाइटिंग चल रही है और हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी समय पर पहुँच चुकी है, आपको बुझा लिया गया है? अभी आग बुझी नहीं है, ये बार बार जल रही है क्योंकि ऊपर से अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है।